हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं आपके लिए कुछ एपिक मोड लाया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। मैं नहीं मानता। ये एकदम सुपर हिट जाएंगे, सुपरमैन की तरह उड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। या तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्या पता देखने के बाद आपका हाल कुछ ऐसा हो। सभी मोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ जाके चेकआउट जरूर करना। और क्या पता अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, करो ना। चुप, बिल्कुल चुप। आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टॉप 15 मोड्स माइनक्राफ्ट पी को माइनक्राफ्ट जावा में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि बहुत इजी रहेगा। या तो मैंने ये सारी फाइल्स को मीडिया फायर में दिया है, तो आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में तो है ही। तो पहला जो मोड मैंने इसमें डाला है उसका नाम है सीसू सेडर। यह सेडर बहुत ही कमाल का, और ये आपको जावा एडिशन का एकदम तगड़ा लुक देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। या और बहुत ही कूल भी लग रहा है ये वाला सेडर, मैंने दो डाले फिलहाल। और इसके बाद मैंने जो डाला है जावा ग्रास, इसमें आपको जावा की ग्रास देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रास दिखेगी, जो कि मेरे पास ढंग की काम नहीं कर रही है, क्योंकि मेरा लो एंड डिवाइस होने के साथ से मेरे को नहीं पता क्या है। पर जो मैंने थर्ड डाला है उसका नाम है शार्प सेडर, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। कभी वो अच्छा ना लगे तो ये वाला ट्राई करना, ये तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर इसमें एक ग्लास कर सिस्टम है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। या तो जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है जावा हैंड्स, या इसमें जो हैंड दिख रहे हैं पूरा ब्लैक था, पर जावा हैंड की मदद से एकदम जावा में जो होता है ना ग्राफिक वो डाल दिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और जूम साइड बिहेवियर भी मैंने इसमें डाला है, पर ये भी मेरे पास वर्क नहीं कर रहा है लो एंड डिवाइस के कारण। आपके पास ऐसे वर्क करेगा, वैसे मेरा कुछ ज़्यादा ही लो एंड डिवाइस है इसलिए। या तो जो नेक्स्ट मैंने डाला ये है लेफ्ट हैंड टॉर्च, इसमें आप टॉर्च को लेफ्ट हैंड में रख सकते हो, जिससे जावा एडिशन का पूरा लुक आएगा और बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा। और ज़्यादातर बंदों को यही चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, और जावा एडिशन में तो ये होता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। जो नेक्स्ट मैंने इसमें डाला उसका नाम है डायनेमिक लाइट। या ये लाइट एक डायनेमिक टाइप की माइनक्राफ्ट जो जावा में होती है ना लाइट, एक लाइट में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके सर्वाइवल सीरीज में बहुत ज़्यादा काम आएगी और जावा के मजे लेंगे। और जो नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है F1 बटन, जिससे आप आपका कंट्रोल इस बटन को दबाते ही गायब कर सकते हो, फिर तो भाई आपको वीडियो बनाने में दिक्कत ही नहीं आएगी, एकदम अच्छे से आप वीडियो भी बना पाओगे। और इसके बाद जो मैंने डाला है वो है ट्रोल व्यू आई, मतलब इससे आपकी लॉबी एकदम पुरानी वाली एकदम नॉर्मल और इजी लॉबी हो जाएगी। टेंशन मतलब मैंने जावा की भी डाली है, वो भी आपको बताऊंगा, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसे भी डाल दिया। और जो नेक्स्ट आता है इसका नाम है जावा कॉम्बैक्ट, इसमें आप जो स्वॉर्ड को पूरा एकदम घुमा के मारते हो ना दो ज़ोंबी को एक साथ, वो भी मार सकते हो, बस इसे चार्ज होना पड़ता है, मैं इसे बहुत कम ही बार मार पा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो मैंने डाला इसका नाम है एडवांस रिंग, इसमें आप एडवांस रिंग हो सकते हो, मतलब एक ब्लॉक के नीचे से भी आप आराम से निकल सकते हो, जैसे मैं निकल रहा हूँ, और ये गाइस ये निकल गया। और एक ब्लॉक के आधे ब्लॉक के नीचे से भी आप रैंक के निकल जाओगे, और ये सबसे प्यारा है आपके लिए, बचने के लिए सर्वाइव में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए ये मैंने आपको डाला, ये बताना कैसा लगा कमेंट में। या तो जो नेक्स्ट डाला है वो जावा UI, ये आपको चाहिए था, तो इसमें आपका जो UI है वो पूरा चेंज होकर जावा जैसा हो जाता है, लोडिंग भी जावा जैसी होती है। और इसके जो इसको बढ़ा दोगे ना FOV को, और यहाँ से आप कैरेक्टर भी चेंज कर पाते हो, तो बहुत ज़्यादा तेज भी दौड़ पाओगे, और कैरेक्टर तो आप आराम से उसका फेस कर सकते हो चेंज। और जो नेक्स्ट मैंने 13 डाला है F3 बटन, या इससे आपको पता चल सकता है कोऑर्डिनेट्स किधर है, और मैंने अभी सब कुछ ऑफ रख रखा है इसलिए मेरे पास दिख नहीं रहा है, तो ये F3 बटन भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा देगी सब फंक्शन जो जावा एडिशन में रहते हैं। इसके बाद जो मोड मैंने डाला है उसका नाम है ग्लास कनेक्टर, या इसमें आप ग्लास कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने भाई सैडर दूसरा जो आपको बताया है वो वाला डाला है। अभी कभी आप सीसू सैडर डालोगे, मतलब उसको मैंने शुरू में गलत बोल दिया था, उसका नाम है CUS, वही कुछ है, या तो उससे कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट जो आता है उसमें आप जो बोर्ड होती है ना उसे जावा एडिशन की तरह बना सकते हो, मतलब ओनली 5 ब्लॉक्स में आप एक बोर्ड बना पाओगे, आपको सावल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बन जाएगी एक मस्त सी बोर्ड। जैसे कि मैंने बताया इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके चेकआउट जरूर करना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, करो ना। इसी के साथ गाइस मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, और इन सब की लिंक आपको मीडिया फायर में दी है तो भाई दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं।